ऐ पाक परवरदिगार, हमारे वालिदैन को सलामत रख, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, तमाम जोजैन में मोहब्बत बनाए रख, और जिनके दरमियान नाराजगी है उसे दूर कर दे। या इलाही, जो बे औलाद हैं, औलाद की नेमत के लिए तड़पते हैं, उन्हें नेक और सालेहा औलाद अता फरमा दे। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जो बेटे और बेटियां रिश्तों की आस लगाए बैठे हैं, अपने गायब के खजानों से ऐसे वसीले, जरिए और रास्ते बना कि उन सब को नेक शरीके हयात मिले। या अल्लाह, जो मुसलमान परेशान हाल हैं, मुसीबत में, मुश्किल में, तंगी में हैं, अपनी लामहदूद रहमतों मेहरबानी से उनकी तमाम परेशानी, मुश्किल, मुसीबत और तंगी को दूर फरमा दे। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको ऐसा बना दे कि हम तेरे बंदों की मदद करें, तेरे बंदों को आसानियां दें, तेरे बंदों से नरमी करें, तेरे बंदों से मोहब्बत करें, हम दूसरों की जिंदगियों को जहन्नुम बनाना छोड़ दें। ऐ पाक परवरदिगार, हमें और हमारे प्यारों को इतना अता कर जितनी तेरी शान है। या रहीम, हमें और हमारे प्यारों के इतने गुनाह माफ कर जितना तू रहीम है। या रहमान, हमारी और हमारे प्यारों की इतनी मुश्किलें आसान कर जितना तू रहमान है। या रज़ाक, हमारे और हमारे प्यारों को इतना कुशादा रिस्क अता फरमा जितना तू रज़ाक है। ऐ पाक परवरदिगार, हम सवाल करते हैं तुझसे खुशगवार जिंदगी का, अच्छी मौत का, और ऐसी वापसी का जो जिल्लत और रुसवाई से खाली हो। ऐ अल्लाह, हमें किसी पर बोझ ना बनाना। ऐ अल्लाह, हमें अपने खजानों से अता कर, हमें लाचारी, माजूरी और बेबसी से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, जिस तरह